छतरपुर जिला के नगर परिषद राजनगर के सभा कक्ष में राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीतू वर्मा एवं उपाध्यक्ष रानी प्रताप दीक्षित एवं उसके साथ साथ नगर परिषद के समस्त पार्षदों ने अपने पदभार ग्रहण किए हैं। इसके साथ साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा सफाई कर्मियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया गया है कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जिसमें गौशाला का निर्माण किया जाएगा, साथ ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। वार्ड वासियों की समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा जिसमें सीमित समय के अंदर समस्या का निराकरण होगा। राजनगर नगर परिषद विकास से अपेक्षित है, हम प्रयास करेंगे कि खजुराहो की तर्ज पर राजनगर का भी विकास होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष रानी प्रताप दीक्षित, टीकाराम शास्त्री एवं समस्त पार्षदगण तथा पूर्व अध्यक्ष रचना पटेरिया एवं समाज सेविका ज्योति अग्रवाल, कमलेश पटेल, मंडल अध्यक्ष गणेश पाठक, रज्जू वर्मा सहित समस्त गणमान्य नागरिक, नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहे। देखो, नया तो कुछ होने वाला है नहीं, चूंकि पूर्व के परिषद भी विकास करना चाहती थी और हम भी विकास करना चाहते हैं, तो नया तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, परिवर्तन जो है नीतियों का थोड़ा सा होगा, उनके तरीके अलग थे, हमारे तरीके अलग हैं। और स्वाभाविक सी बात है, परिषद अध्यक्ष बने हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान का तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा राजनगर में होगा, राजनगर के विकास की बात होगी। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हमारे नगर की जनता, परिषद के क्षेत्र अधिकार की जनता कम से कम परेशानियों का सामना करे अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक ई सिस्टम लागू करने के मूड में हैं हम। नंबर दो, यहाँ पे एक स्वागत कक्ष के जो गरीब अनपढ़ लोग आते हैं उनके साथ किसी प्रकार का छल ना हो, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, पूर्णतः पारदर्शिता हो, इस तरीके के सारे हम जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हैं। अभी चूंकि हमारी प्रशासनिक स्तर पर लोगों से बात नहीं हुई, उनमें कुछ परेशानियां हैं, तकनीकी परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, हम अपने सम्माननीय जो भी पार्षदगढ़ हैं पार्षदों के साथ और अधिकारियों के साथ जब बात कर लेंगे उसके बाद हम उसको जो है आपको उचित समय पे अवगत करा देंगे। लेकिन उसका मोटिव यही है हमारा कि यहाँ की जो जनता है वो भय, भ्रष्टाचार और परेशानी से मुक्त है।